क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आरडी शर्मा एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है. प्रूफ दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. ऑल्सो प्रूफ दैट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. तो हमें ये चीज़ प्रूफ करना है. तो आप देखो, हम पहले LHS सॉल्व करेंगे. LHS क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? मुझे यहाँ पे ना बेसिकली a पॉजिटिव है, ठीक है. तो आप देखो, मैं इसको प्रूफ करने से पहले ना इसके सेकेंड पार्ट को कराना चाहूँगा. क्या ऑल्सो प्रूव दैट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. तो हमें ये प्रूव करना है ना. तो पहले LHS ले लेते हैं. LHS से चलते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. अब देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच. ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट होता है हमारा, ठीक है. तो आप देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो. अब देखो, इस केस में हम क्या कर रहे हैं? x को क्या रिप्लेस कर रहे हैं? a माइनस एच से. यहाँ पे x को क्या रिप्लेस करेंगे? a क्या है? अब देखो, कंपेयर करो, a है आपका 1, तो हम x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से. तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच. और बेसिकली h क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और h होता है बेसिकली 0.0000001. अब देखो, 1 में से आप माइनस करोगे 0.000001, देन ये क्या आएगा? ये आएगा 0.9999999999. तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9999999, ठीक है. अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9999 क्या होता है? अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स. इंटीजर पर इसकी वैल्यू आती है इंटीजर, और अगर इंटीजर नहीं है देन आप इसके पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर. तो 0.999 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है? जीरो आता है. इंटीजर तो बहुत सारे आते हैं, जीरो आता है, माइनस वन आता है, माइनस टू आता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंटीजर जीरो, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है. अगर आपको ग्राफ से देखना है देन आप ग्राफ से भी देख सकते हो. ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. देखो, जीरो पर जीरो ही होता है, और वन पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन होता है. तो अब देखो, हमको वन के टू पर टू होता है. अब देखो, हमको वन नेगेटिव की वैल्यू चाहिए ना, तो आप वन के तरफ आओ लेफ्ट से, देन यहाँ पर आएगा वन नेगेटिव. तो अब देखो, वन नेगेटिव पर वैल्यू क्या है? जीरो. तो डायरेक्टली जीरो, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है. नाउ देन हम इसको अब सॉल्व करते हैं. तो अगर रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये बेसिकली होता है राइट हैंड लिमिट. इस को किससे डिनोट करते हैं? राइट हैंड लिमिट से. और इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ a प्लस h. तो आप देखो, इस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो. अब देखो, हमने यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करा? a प्लस एच से. देन यहाँ पे x की जगह a प्लस एच रिप्लेस कर दो. और h क्या आपका? पॉजिटिव क्वांटिटी. और ये होता है क्या? बेसिकली ये होता है 0.00001. अब देखो, अगर हम देखें तो अगर हम a में ऐड करते हैं 0.00001, देन ये आ जाएगा 0.00001. तो ये हो जाएगा इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.00001.
अब देखो ए जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और आपने क्या करा ए में कुछ ऐड करा। अगर आपका ए देखो, अगर आप ए को वन ले लो, देन आप देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए के जगह वन, तो 1.000001, देन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.001 वन आता है, मतलब ए आ गया। ठीक है, अगर आप ए को 1.2 लोगे देन क्या बनेगा, बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.20001, देन ये क्या आएगा, ये आएगा वन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए ही आएगा। अब देखो आपने ए को वन रखा, वन आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वन क्या होता है, वन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू दिस। इसी तरह से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 निकालोगे, ये भी वन आ जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, मतलब 1.2 का निकालो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2001। अब देखो ये तो एच जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसको ऐड करने पर ज़्यादा चीज़ें फ़र्क पड़ेंगे ही नहीं, जो है वही रहेगा। ठीक है, और अगर हम एच को सब्ट्रैक्ट, मतलब हम यहाँ पे अगर ए माइनस एच रहता देन तो चीज़ें बदल सक, लेकिन आपने ए में कुछ ऐड करा देन चीज़ें नहीं बदल पाएंगे। अगर आप जैसे टू ही, आप जैसे टू ले लोगे, तो टू में भी अगर आपने, आप देखो आपने वन लिया ना, ए को वन लिया, आपने ए में थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी, फिर भी क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन आया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वन भी वन ही होता है, देन कोई डिफरेंस नहीं आ रही ना, तो बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए ही होगा। ठीक है, सीधे जीरो भी रिप्लेस कर दो। आई होप आपको समझ आया होगा, आप ऐसा भी समझ सकते हो। अब जैसे देखो वन पर क्या हुआ, अगर आप वन को राइट से आओगे ना तो ये हमेशा वन आएगा। अब आप जैसे आपको टू पर चेक करनी है, जैसे आप टू के राइट से रहो, अब देखो यहाँ पे 1.5 ले लो, फिर भी क्या आएगा, वन आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 भी क्या होता है, वन होता है। और अगर आप 1.5 के राइट तरफ से आओगे, आप देखो हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो भी क्या होगा, वन आएगा। ठीक है, आप ग्राफ से चेक कर सकते हो, आप ग्राफ बना के देख लेना। जैसे अगर आप -1 लिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 आता है यहाँ से, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। अब आप देखो -1 का ये है लेफ्ट, -1 का है ये राइट, जब भी आप -1 के राइट से आए तो क्या आया, -1 आया, -1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आया, -1 आया। इसी तरह से आप कोई भी क्वांटिटी ले लो, आप जैसे यहाँ पे ले लो आप -0.005, मतलब ऐसा ले लो -0.5, इसको सपोज करो -0.5, अब देखो राइट से आए 0.5 पर तो भी आया वैल्यू -1, 0.5 पर भी आया वैल्यू -1। ठीक है, बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर हम ए के राइट तरफ से आए तो जो वैल्यू राइट तरफ से आएगी वही ए पर आएगी, बस इसका कहना यही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है आ रही है। आई होप आपको समझ आएगा, अगर आप ग्राफ से समझोगे ना देन ये चीज़ें ईजी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमको नॉट इक्वल टू दिखाना, मैंने गलती से इक्वल टू लिख दिया था, तो आप LHS ले लो पहले, तो LHS लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। आप देखो इसके करने के ना दो मेथड हैं, यहाँ पे ना ग्राफ तो नहीं यूज में आ पाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसलिए या आप ग्राफ को यूज में ला भी सकते हो।
एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब तो अब बेसिक मेथड है तो बेसिक वाला भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा कहीं पर रहे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, देन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। अब देखो एक प्रॉब्लम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मुझे जो बेस्ट लग रहा है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर लिमिट ए नेगेटिव रहे देन क्या हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो और x को क्या से रिप्लेस कर रहे हैं a माइनस एच से, देन x को रिप्लेस करो तो a माइनस एच, यहाँ पे a है 2 तो x को रिप्लेस करो 2 माइनस एच, 2 माइनस एच अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच। अब देखो 2 में आपने कुछ माइनस करा, 2 में क्या माइनस करा, 2 में माइनस करा 0.00001, ठीक है, और इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देन ये क्या बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 में माइनस करोगे 0.001 देन ये बन जाएगा 1.999 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.99999 क्या होता है, तो 1.9999 के पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर 1 तो इसकी वैल्यू होती है 1। तब देखो बेसिकली इसको सॉल्व कर आएगा 1 और यहाँ पर 0 रिप्लेस करो तो 2 माइनस 0 2 तो इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से आर एच एस क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स रहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो अब देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच, तो यहाँ पे ए क्या है 2 तो बेसिकली हम एक्स की जगह 2 प्लस एच रिप्लेस करेंगे, तो ऊपर हो गया 2 प्लस एच अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, एच बेसिकली क्या होता है एच होता है 0.00001 तो हो जाएगा 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0.0001 तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.00001। तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0. मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.00001 क्या होगा, तो अब देखो 2.001 के पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो हो गई 2 और यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे तो 2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू। तो प्रूफ हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is not equal to limit x approaches to 2 positive x upon greatest integer function of x। एक मेथड तो ये हो गया और दूसरा है ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब देखो इसका ग्राफ हम नहीं बना सकते, x upon में greatest integer function का ग्राफ बना नहीं सकते, लेकिन greatest integer function का तो बना सकते हैं ना, तो greatest integer function का बना लेते हैं। 0 पर 0 होता है, 1 पर 1 होता है, 2 पर 2 होता है और कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। थ्री पर 3 होता है। अब आप देखो इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ है। मैंने आपको क्या बताया था पॉलिनोमियल में दिक्कत नहीं होती, पॉलिनोमियल में हम सीधे 2 रिप्लेस कर सकते हैं, दिक्कत यहाँ पर होगी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सिग्नम फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पर दिक्कत हो सकती है स्पेशल टाइप के फंक्शन में, पॉलिनोमियल में कभी दिक्कत नहीं होती। तो अब देखो 2 नेगेटिव पर हमसे पूछा है तो मतलब 2
पर पहुंचो लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से पहुंचेंगे तो यहाँ पर आएगा टू नेगेटिव। अब देखो टू नेगेटिव पर वैल्यू क्या है, वन, देन वन लिख दो ये, तो आ गया टू। बस इसी को बेसिकली हमने इसी को सॉल्व करा है, बस हम इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं करेंगे। अब देखो टू पॉजिटिव पर भी टू होगा। अब देखो टू नेगेटिव हो टू पॉजिटिव हो, इससे पॉलिनोमियल फंक्शन में कभी फर्क पड़ा ही नहीं है, पॉलिनोमियल कभी दिक्कत नहीं देती हमें, जो चीज़ है उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, दिक्कत देगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब देखो हमें टू पॉजिटिव है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो अब टू की तरफ आओ राइट से, देन ये होगा टू पॉजिटिव, और टू पॉजिटिव पर वैल्यू हो जाएगी क्या, टू, तो ये हो गया टू, तो वन, तो सेम नहीं है, ये एक मेथड हो गया। एक मेथड है कि आप टू से हल्की सी बड़ी वैल्यू, टू नेगेटिव, टू नेगेटिव का मीनिंग है 1.9999999, ठीक है, और टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव का मतलब है 2.00001। अब देखो बेसिकली यही हमने कर कर यहाँ पे शो करा है, यहाँ पे हमने माइनस एच कर कर शो करा है, यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट ग्रेटेस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमें लिमिट पूछी है 5/2 पर, तो अब देखो पहले हम ग्राफ से समझेंगे इसे, उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए ना, तो अब ग्राफ का यूज करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जीरो पर तो जीरो होता है, वन, वन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन होता है, टू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू होता है। तो हम इसे और बढ़ा दे तो थ्री पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थ्री होता है, ठीक है। हमें 2.5/2 मतलब 2.5 ये होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप 5/2 के तरफ आओ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से आओगे तो ये होगा 5/2 का नेगेटिव। 5/2 के नेगेटिव पर वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 2। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप 5/2 के तरफ आओ राइट से, 5/2 के तरफ से राइट पर आओगे, राइट से आओगे तो ये होगा 5/2 का पॉजिटिव। 5/2 के पॉजिटिव में वैल्यू क्या है, 2, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट है और इक्वल है, देन इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा। तो ये मैथड हो गया ग्राफ से। अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिकली कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। इसको हम डिनोट ऐसा करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए यहाँ पे क्या है, 5/2, तो एक्स को रिप्लेस करोगे 5/2 माइनस एच से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस एच, और एच यहाँ पे क्या होता है, एच होता है 0.000001। अब देखो 5/2 होता है 2.5 माइनस 0.00001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 में से ये माइनस करोगे देन ये हो जाएगा 2.499999, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.499999999 क्या होगा, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2। ये हो गया, हमने मैथमेटिकली सॉल्व करा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप निकाल लो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5/2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5/2 प्लस एच। 5/2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 प्लस एच, एच है 0.000001, तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.500001। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.500001 क्या होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर देखो क्या है, 2, तो ये होता है 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, तो हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, देन आप एक बार देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इफ इट एग्जिस्ट वेयर f ऑफ x इक्वल टू दिस। तो हमें f ऑफ x के बारे में बताना है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होता है, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब देखो एफ ऑफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी वैल्यू, और 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखो मैंने आपको एक मेथड बताया था जहाँ पे मैंने बताया था कि सीधे आप 2 रिप्लेस करो, लेकिन ना जब मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया है, देन दिक्कत हो जाएगी अगर आप सीधे 2 रिप्लेस करोगे। हाँ यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे सीधे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आप सीधे 2 मत रिप्लेस करना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, 2 होता है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखना 0 नहीं आएगा। अब देखो 2 माइनस एच के लिए फंक्शन है ये, तो यहाँ पे रिप्लेस करो तो x की जगह 2 माइनस एच, तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच। पोलिनोमियल है सिंपली 0 करो, तो 2 माइनस 0 तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच। एच यहाँ पे क्या होता है, एच होता है 0.00001। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस 0.00001, 2 माइनस 0.001 क्या बनेगा, ये बनेगा 1.999999। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.99999 क्या होगा, तो ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 1.99999। तो अब देखो इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9999 क्या होगा, 1 होगा, देन इस पूरे की वैल्यू आएगी 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और हम इस चीज़ को लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब देखो 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो बड़े वैल्यू के लिए फंक्शन है 3x माइनस 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस कर दो 2 प्लस एच, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 5। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे h को 0 रिप्लेस करो, 0 रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0 0, तो 3 इंटू 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1। तो आप देख लो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हेंस लिमिट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, और दस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन इसके लिमिटिंग वैल्यू यही, ये फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है,
तो एक मेथड तो ये हो गया। नहीं, वो दूसरा मेथड एकदम सही तो नहीं रहेगा। देन आप देख लो यही मेथड बेस्ट है, या फिर आप टू नेगेटिव कैलकुलेट कर रहे हो देन सीधे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सीधे डाल दो। टू नेगेटिव का मतलब टू से हल्की से छोटी वैल्यू, टू से हल्की से छोटी वैल्यू क्या होगी, टू नेगेटिव का मतलब 1.999। वही मैंने सॉल्व करके बताया। अब ध्यान रखना कि मैंने दो चीज़ें बताई, एच ना हमेशा पॉजिटिव होता है, एच कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एच को आप अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखो कभी कभी चीज़ें हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं अपने लिए, हमने एच अप्रोचेस टू ज़ीरो इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कन्वर्ट करने के लिए ही करा है। तो बेसिकली एच जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और एच की वैल्यू ये मान के चलो आप, ठीक है, एच हमेशा आप ये समझ के चलो, ठीक है, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देख लो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमें दिखाना है कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पहले मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ, देन फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या बोलते हैं मैथमेटिकली। तो अब देखो साइन वन अपॉन एक्स का ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है, मतलब ये तो गलत, मतलब ये सही से बना नहीं। अब देखो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मतलब इतने ये स्ट्रिप पतली पतली होती है ना, इनके बीच में इतने कम डिफरेंस होती है ना कि जीरो पर क्या होता है पता ही नहीं चलता हमें, ऐसा समझो। आप फिर से सुनो मैंने क्या कहा, ये तो यहाँ से ग्राफ जो है वो सही से बन नहीं पाया। आप ग्राफ प्लॉटर पर सर्च, आप गूगल पर सर्च करना ग्राफ, ग्राफ प्लॉटर आता है, वहाँ पर आप साइन वन अपॉन एक्स का ग्राफ लिखना, वो आपको दिखा देगा। देन आप जब देखोगे ना तो इसके ग्राफ में ना इतनी, मतलब ये इतने पतले होंगे ना कि आपको जीरो पर पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, देन हम लिमिट बता नहीं पाएंगे कि जीरो पर क्या आएगा, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफ से, मैंने ग्राफ सही से नहीं बनाया, इसलिए आप फिर बाद में मत बोलना कि आप भैया आपने ग्राफ नहीं बच्चा बने, ग्राफ आपको नहीं आता बनाने। मैं बोल दे रहा हूँ ग्राफ मैंने सही से नहीं बनाया, ये बनता ऐसा ही है, बस ये स्ट्रिप जो होती है मतलब ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, हमें बता ही नहीं पाते कि जीरो पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम क्या दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बस खत्म। तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव साइन वन अपॉन एक्स, इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं ए माइनस एच, यहाँ पे ए है जीरो तो जीरो माइनस एच दैट इज माइनस एच, तो ये हो जाएगा साइन वन अपॉन माइनस एच। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन वन अपॉन एच, तो आप क्या करो वन अपॉन एच से डिवाइड कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इस चीज को ऐसा भी समझ सकते हो, ये चीज अगर आप नहीं भी करोगे तो आप ऐसा समझो कि आप जब एच को जीरो रिप्लेस करोगे, यहीं पर जीरो रिप्लेस करोगे, देन क्या आएगा माइनस साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी क्या होता है नहीं पता, तो क्या ही होगा, नहीं पता तो देन डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी होगा फाइनाइट वो एंटिटी होगी, लेकिन हमें पता नहीं,
बेसिकली होता क्या, ये जीरो पर इतनी तेजी से ऑसिलेट करता है ना, हम बता ही नहीं पाते कि जीरो पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है, जीरो पर इतनी तेजी से ऑसिलेट करता है कि हमें बता ही नहीं पाते कि जीरो पर क्या हो रहा है। तो हम इसको ऐसा समझ, मतलब ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, वन अपॉन एस से। और आप पढ़ोगे कि अगर लिमिट, मतलब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा ये वन होता है, देन ये क्वांटिटी पूरा वन हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एस, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट इनफिनिटी, तो लिमिट डज नॉट। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x approaches to zero positive sine वन upon x, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन वन अपॉन एच। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करा, a प्लस एच, ए था जीरो तो जीरो प्लस एच एच, तो सीधे h हो गया, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन वन अपॉन एच, और वन अपॉन एच से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये हो गया वन, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एच, ये हो गया इनफिनिटी। देन आप देख सकते हो लिमिट डज नॉट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अब देखो एक बार फिर, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन में पाई बाई टू माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स, सॉरी गलत बोल गया था, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एंड ये थ्री होगा जब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, एंड इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमसे के की वैल्यू पूछी है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे तो बनता नहीं था, लेकिन देन आ गया तो क्या ही करें, करार नहीं देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं है बेसिकली। तो आप देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये चीज़ दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। तो आप देखो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर वैल्यू थ्री, तो ये हो गया थ्री। बेसिकली यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड करना, हमें लिमिट सॉल्व करनी है। तो लिमिट सॉल्व करने का जो मेथड है ना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाला, आ गया तो करा देता हूँ। इसका ना सबसे बेस्ट मेथड आपको बताऊँ, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल लगाओ तो ख़त्म। लॉपिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन करो और नीचे की डिफरेंशिएशन करो, लेकिन ये मेथड उसके लिए जिसका डिफरेंशिएशन आती है। ठीक है, तो मैं करा देता हूँ, इसी से करा देता हूँ, फिर आगे तो बताना ही है। तो लॉपिटल रूल, तो भाई लॉपिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन करा तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस टू, एक्स की डिफरेंशिएशन वन, तो ये माइनस टू से ये कैंसल, ये टू को इधर शिफ्ट करा और पाई बाई टू यहाँ पे रिप्लेस करा, साइन पाई बाई टू वन, तो के इक्वल टू सिक्स, तो के की वैल्यू आ गई सिक्स। ठीक, कितनी ईजी हो गया इस मैथड से। लेकिन अगर आपको इस वाले मैथड से नहीं जाना है और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती, देन हम क्या करेंगे भैया, देन तो हम फंस जाएंगे, लेकिन मैं तो आपको फंसने दूंगा नहीं। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है, तो हम इसी का यूज करेंगे। अब देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये क्या होता है,
कॉस एक्स होता है ना साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन कब होता है, जब आप यहाँ पे जीरो रिप्लेस करो, अंदर वाला भी जीरो और ये वाला जीरो, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और आप देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है और ये दोनों जीरो बनने चाहिए ये वाला लिमिट रिप्लेस करने पर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो कॉस एक्स को हम ये लिख सकते हैं, लिख दो के कॉस एक्स को लिखा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, नीचे भी हमें चाहिए पाई बाय टू माइनस एक्स। तो अब देखो यहाँ से अगर आप टू कॉमन करेंगे, टू कॉमन करा देन यहाँ पे तो टू नहीं था तो यहाँ पे टू डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे टू था तो एक्स बनेगा और इस टू को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू के साइन पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन में पाई बाय टू माइनस एक्स और ये टू इधर जाएगा तो सिक्स। और आप देखो जब आप पाई बाय टू डालोगे तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू जीरो और ये दोनों सेम है, देन ये हो जाएगा ये पूरा क्वांटिटी वन तो के इंटू वन इक्वल टू सिक्स, तो के की वैल्यू हो गई सिक्स, ठीक है। तो के यहाँ से भी सिक्स है यहाँ से भी सिक्स है, मैंने आपको दोनों मेथड से करा दिया। देन हम लास्ट रहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। और फिर बोला क्या इट इज इट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री नेगेटिव एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये सेम प्रॉब्लम ने वहाँ पे भी डिस्कस करा, अभी शायद स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था ये वाला, देन मैं इसे जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको। अगर आपको इस वाले पर प्रॉब्लम है देन आप वहाँ वाला देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने कराया डिटेल में, वहाँ पे टू था यहाँ पे थ्री है, फिर भी मैं करा देता हूँ। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, ये होता है राइट हैंड लिमिट और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच के, ठीक है। देन हम इस चीज़ को लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, देन हम एक्स को क्या रिप्लेस करें ए प्लस एच से, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ए है थ्री तो ये हो जाएगा थ्री प्लस एच, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस एच अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ थ्री प्लस एच। ऊपर वाला तो पॉलिनोमियल है तो आप सीधे रिप्लेस करो थ्री सॉरी जीरो और नीचे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो एच एच क्या होता है, एच होता है 0.00001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.00001 ये क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.00001 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.0001 क्या होगा, तो अब देखो 3.001 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 1। इसी तरह से आप इसको फाइंड कर लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। आप ध्यान देखना जब स्पेशल टाइप के फंक्शन आते हैं ना देन दिक्कत आ सकती है, तो उसे हमें ध्यान से सॉल्व करना होता है, सीधे हम लिमिट उड़ा नहीं सकते जैसे पॉलीनोमियल उड़ा देते हैं। देन लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, करते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, तो आप एक्स की जगह ए माइनस एच रिप्लेस करना होता है, ए क्या है थ्री, तो यहाँ पे एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे थ्री माइनस एच। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ थ्री माइनस एच क्या होगा, थ्री और एच है 0.001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ थ्री माइनस 0.001 तो मतलब ये बनेगा 2.9999 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.99999 क्या होगा, 2.999 के पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे सीधे जीरो रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये बना 3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है,
ठीक है, तो नो हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया एक मेथड, और दूसरा आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, लेकिन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ड्रॉ कर सकते, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही कर लो। सीधे यहाँ पर ये सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, जीरो पर जीरो होता है, 1 पर 1 होता है, 2 पर 2 होता है, 3 पर 3 होता है, ठीक है, और 4 पर जाओगे तो 4 हो जाता है, बाकी तो चीज़ें ऐसी ही रहती है। ऐसा करो ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखो हमें 3 पॉजिटिव पॉलिनोमियल में तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो ऊपर सीधे 3 आप रिप्लेस करो। अब देखो 3 पॉजिटिव मतलब 3 के तरफ और राइट से, तो 3 की तरफ से राइट से आओगे तो ये होगा 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का वैल्यू क्या है, 3, तो ये हो गया 3, तो 1 हो गया ना। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स है तो सीधे 3 रिप्लेस करो, और आप 3 के तरफ लेफ्ट साइड जाओ, लेफ्ट साइड से आओगे देर ही होगा 3 का नेगेटिव, क्या वैल्यू है 2, ये हो गया 3/2, ये हो गया 1.5, दैट इज इट। तो देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।